नमस्कार भक्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव इस महीने यानी कि सावन के महीने में कहाँ निवास करते हैं? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ले। सावन 2021 पूरे सावन अपने ससुराल में निवास करते हैं। भोलेनाथ हरिद्वार के पास स्थित है ये मंदिर। वो कहाँ पर स्थित है, चलिए जान लेते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट्स करके बताइए आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। अगर इस साल कांवड़ यात्रा होती तो आप कहाँ ले जाना पसंद करते कांवड़ यात्रा को? तो सारी जानकारी पाने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। सावन का महीना शुरू होने वाला है। इस समय हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करने के प्रयास में रहता है। हो भी क्यों ना, ये महीना शिव जी का इतना प्यारा महीना जो है। पर क्या आपको पता है कि भगवान शिव इस महीने में कहाँ निवास करते हैं? मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ इस दौरान अपने ससुराल में रहते हैं और उनके ससुराल के रूप में प्रसिद्ध है खनकल का दक्षेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर हरिद्वार से कुछ किमी दूरी पर है। कहा यह भी जाता है कि कौशल पर्वत भगवान शिव का घर है और खनकल उनकी ससुराल। लोग मानते हैं कि शिव पूरे सावन महीने में अपने ससुराल में ही रहते हैं। इस मंदिर को दश प्रजापति मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के बीचों बीच भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के पांव के निशान भी मौजूद हैं। यह मंदिर भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के पिता दश प्रजापति के नाम पर है, पर मंदिर महादेव का ही है। एक यक्ष कुंड भी है। इसके बारे में मानता है कि यही माता सती ने आत्मदाह किया था। सावन के महीने पूरे देश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। मानता है कि इस समय यहाँ पर जल चढ़ाकर महादेव को खुश किया जा सकता है। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो भक्तों, इससे जुड़ी तमाम जानकारी पाने के लिए अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहे। कांवड़ यात्रा 2021 की और भी ज़्यादा लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी श्रद्धालु अपने इस चैनल के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी इसके बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो आज के वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ये भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।